हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे कैसे आप कोई भी वेबसाइट पर विजिटर काउंटर को कैसे ऐड करेंगे। विजिटर काउंट होता है जैसे कोई कितना पीओपी आपको वेबसाइट पर आया है, कितना जन आया है वेबसाइट पर, चेक किया है, विजिट किया है, उतना उसका काउंटर आपको वेबसाइट में ऐड करना है। तो कैसे आप ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। एक मेरा वेबसाइट है, ये वेबसाइट डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे इस कॉन्टैक्ट जो ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट वाला जो कॉलम है उसके नीचे हम ऐड करेंगे काउंटर विजिटर काउंटर का ऑप्शन। तो चलते हैं, पहले आपको डैशबोर्ड ओपन कर लेना है वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। ये है मेरा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल एंड आपको उसके बाद आपको प्लगइन में जाना है। प्लगइन के बाद ऐड न्यू करना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है WPS विजिटर। और सर्च करना है और यहाँ पर देख सकते हो एक प्लगइन आ गया है। ये जो प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको अभी एक्टिवेट करता हूँ। देखिए ये मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो WS विजिटर काउंटर का प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आपको ये प्लगइन का लेफ्ट पैनल में कहाँ पे भी नहीं देखेगा आपको, उसका ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो आपको बता दूँ। उसका ऑप्शन आपको पहले सेटिंग में जाना है और उसके बाद आप देख सकते हो WS विजिटर काउंटर का ऑप्शन आ गया है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन हो गया है WPS काउंटर का और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है फॉर्मेट। आप किस कौन सा फॉर्मेट यूज करना चाहते हो विजिटर काउंटर के लिए वो आपको देखना है, बहुत सारे दिया गया है। मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐड करता हूँ। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको अनचेक करना है और उसके बाद सेव चेंज करना है। उसके बाद ये तो काउंटर आपको ऐड हो गया, लेकिन वो शो कहाँ पे करना है और कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो कैसे आप करेंगे वो भी आपको देखना है। उसके लिए हर एक प्लगइन को एक शॉर्टकोड होता है, इस प्लगइन को एक शॉर्टकोड प्रोवाइड करता है। उस शॉर्टकोड को आपको कॉपी करके एलिमेंटर पेज के ओपन करने के बाद आपको पेस्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्टकोड कहाँ मिलता है, हम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो है शॉर्टकोड आपको देख सकते हो, ये शॉर्टकोड आपको कॉपी करना है और एलिमेंटर पेज को ओपन करना है। मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एलिमेंटर पेज को ओपन करना है जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है। देखिए ये मेरा वेबसाइट का एलिमेंटर पेज में ओपन कर चुका हूँ मैं और उसके बाद इस एरिया में मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। उसके लिए शॉर्टकोड आपको एक फील्ड लेना है, उसके बाद टाइप करना है शॉर्टकोड। देखिए शॉर्टकोड आ गया है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद यहाँ पर उस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। और उसको अपडेट कर देना है। फिर आपको वेबसाइट ओपन करके रिफ्रेश करना है पेज को। देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन आ गया कि आपको ये सॉल्व करना है। उसके लिए फिर
फिर से प्लगइन में जाना है जहाँ पे आप सेटिंग किया है वो WPS विजिटर का, और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ये चेक लगा हुआ है, करेक्ट चेक लगा, इसको आपको अनचेक करना है। ये जो अनचेक करना है उसके बाद आपको जिसका बारे में आपको पता होना चाहिए वो भी आपको ओनली चेक करना है। मतलब आपको इनेबल करना है टुडे का कितना यूजर आया है, उसके लिए ओनली ये ऑप्शन को आपको चेक करना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, ये वाला जितना सब आ गया ये सब ऑप्शन गायब हो जाएगा, तो इसको आपको अनचेक करना है। और सेव चेंज के ऊपर क्लिक करना है, देखिए। उसके बाद फिर रिफ्रेश कीजिए पेज को, देखिए ये सब चेंज हो गया है और ओनली आज का कितना यूजर आया है वो ओनली दिखाई दे रहा है। इसी तरह का आपको पेज के पेज में विजिटर अकाउंट को ऐड कर सकते हो, और मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो आपको समझ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइन बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, और वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।